आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या जिससे एटलीस्ट 50% इंडियन पॉपुलेशन अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करती है, वह हेमरॉयड, फिस्टुला या फिशर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या होता है। बहुत से पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें हेमरॉयड्स है, फिशर है या फिस्टुला है। वैसे तो ये डायग्नोसिस एग्जामिनेशन के बाद ही बनता है, बट कुछ मोटे पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको इस बारे में कुछ आइडिया हो जाए कि आप इनमें से किस समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आपको पेनलेस ब्लीडिंग है स्टूल पास करते हुए, मतलब आप स्टूल पास करने जाते हैं और फ्रेश ब्लड आता है जो कि पेनलेस है, तो यह हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स हो सकता है। अगर आपको स्टूल पास करते हुए पेन होता है स्टूल वाली जगह पे और वह कुछ टाइम तक, आधा पौना घंटा एक घंटे तक रहता है, तो वह फिशर होता है। मतलब कि पेन वाइल पासिंग स्टूल इज फिशर। और अगर आपको स्टूल वाली एरिया पे डिस्चार्ज होता है, आपके अंडर गार्मेंट्स खराब होते हैं, पस या पानी कुछ डिस्चार्ज आप महसूस करते हो, तो यह फिस्टुला हो सकता है यानी कि भगंदर हो सकता है। थैंक यू।